बालको प्रबंधन के सहयोग से बालको के प्रतिनिधि यूनियन इंटक और जिला कबड्डी संघ ने एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें 6वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप से चयनित खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शिविर से चयनित बालक और बालिकाओं की टीम को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। बालको के मुख्य वित्त अधिकारी श्री वी रामनाथन ने राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य वित्त अधिकारी श्री वी रामनाथन थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित बालक बालिकाओं को शुभकामनाएं दी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। इन डेज बैक आई इनॉग्रेटेड दिस ग्रेट टूर्नामेंट, वेरी ग्रेट इनिशिएटिव डन बाय INTC। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल इवेंट that to last 15 days you have done wonderful experience and play, so that you are now representing Chhattisgarh state. See, tomorrow at Kolhapur at state level you are going to play, afterwards maybe you will be participating in the worldwide representing India in the Kabaddi tournament. I am wishing you all the best, so that with this event I am taking little bit proud. Yes, Balku is also involved in this great event. I wish Mr. Sharma ji and other his team members, this kind of tournament and sports events, please involve more in the event, so that not only Balku, not only the state, maybe India will be proud of us. Thank you very much. यहाँ ये आयोजन करने का विशेष कारण यह है कि बालको प्रबंधन ने विगत 2-3 वर्षों में दो खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हम लोगों से चर्चा करके और यहाँ जो खेलकूद शुरू कराए हैं, खेलकूद यहाँ होते रहे, वातावरण या टाउनशिप के लोगों के लिए अच्छा वातावरण बने, लोग उसको एंजॉय करें और यहाँ से प्रदेश में एक मैसेज जाए बालकों के लिए कि बालकों में कार्यरत सभी श्रम संगठन हो या बालको प्रबंधन हो, वह ना सिर्फ औद्योगिक विकास बल्कि सामुदायिक विकास, बच्चों के विकास के लिए भी उतना ही गंभीर है। और यहाँ प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। प्रबंध तंत्र के सहयोग से जिस तरह से हम इस कबड्डी को कराए हैं, हमारी ये सोच है कि हम अन्य खेल भी कराएं और इसी तरह का सहयोग जिस तरह से प्रबंध तंत्र ने इसमें दिया है कबड्डी में, तो सभी खेलों में देगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इस खेल वातावरण को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रबंध तंत्र की भी है, हमारी भी है। इससे बच्चे जो है जो इधर उधर घूमते हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिलता है, खेल के प्रति भावना बनती है, खेल में वातावरण बनता है, तो निश्चित है कि अच्छी चीज़ है और ये होती रहनी चाहिए। जो हम अंतर जिला जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप यहाँ बालकों में आयोजित किए थे, इसमें 15 बालकों की और 13 बालिकाओं की टीम ने पार्टिसिपेट किया और उनके प्रदर्शन के आधार पर हमारे चयनकर्ताओं ने 18 बालक और 18 बालिका खिलाड़ियों का चयन प्रशिक्षण शिविर के लिए किया है। इस प्रशिक्षण शिविर से बहुत कुछ हमारे खिलाड़ियों को सीखने को मिला है और निश्चित ही ये हमें भविष्य में बहुत कुछ अच्छा परिणाम देंगे। इस प्रशिक्षण शिविर साथ ही प्रतियोगिता के पूरे आयोजन में इंटक और बालको प्रबंधन ने भरपूर सहयोग दिया है और मैं तो यह कहूँगा कि इन दोनों के सहयोग से ही और जनता के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता और यह प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं इंटक और बालको प्रबंधन दोनों को ही धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और आशा भी करूंगा कि वे भविष्य में इसी प्रकार हमारी भारतीय खेल कबड्डी खेल को प्रोत्साहन देते रहें और आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम इस खेल को और अच्छी ऊँचाइयाँ दे सकें।